मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर की विधानसभा 2 में लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार पहुंचे। उन्होंने मंच के माध्यम से भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। इंदौर की विधानसभा 2 में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार रहे मुख्य अतिथि। विधायक रमेश मेंदोला ने सम्मेलन को बताया ऐतिहासिक। नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने की योजनाओं की तारीफ। इंदौर की विधानसभा 2 में 17 जून शाम 7 बजे से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में भाजपा ने विशाल लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी मौजूद रहे। लाभार्थी सम्मेलन के दौरान विधायक रमेश मेंदोला ने कार्यक्रम की विशालता को ऐतिहासिक करार दिया और आने वाले वक्त में विभिन्न वार्डों में लाभार्थी सम्मेलन करने का ऐलान किया। जो अभियान है आज हमारा, लाभार्थी जो है उस योजना के अंदर जिनने लाभ लिया उन लाभार्थी सम्मेलन हमने रखा है, पर इतने लाभार्थी हैं कि इस हाल में आ नहीं सकते, तो हमने जितने भी प्रमुख लोग हैं उनको बुलाया है। बाद में हमने कहा है कि हर वार्ड में जितने जो बचेंगे वहाँ पर अपन उनका लाभार्थियों से संबंध रख के रखेंगे। ऐसे हमारा 18 वार्ड है, अगर दो दो वार्ड में भी अगर हमने 2-2 हज़ार का भी रखा तो 36 हज़ार हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। इतना बड़ा हाल तो है नहीं कि अपन कहीं इतना बड़ा कार्यक्रम कर सकें। तो मैं आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार के हमारे मंत्री जी, हम सबके बीच में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए। मैं आप सबकी ओर से उनका स्वागत करता हूँ। माल्य के नगर में उनका स्वागत करने का जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कर दें। मैं हमारे बीच में आज हमारे नगर अध्यक्ष भी उनका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कर दें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मौजूद थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान भाजपा की नीति के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां साधु का रूप लेकर मतदान के पहले आएंगे, आपको हम साथ साथ है कहेंगे, और चुनाव होने के बाद फिर 5 साल तक हम आपके है कौन मिस्टर इंडिया बनकर राजनीति को गंदा कर देंगे। हमने देश में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, इसके पहले कुछ दिन गलती से कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। वैसे वोटों में भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 40,400 वोट ज्यादा थे, मगर जगह में हम 109 में थे और कांग्रेस 114 में आ गई। बीएसपी के 2 वोटों से बहुमत तो जुटाया, मगर जो झूठे वायदे किए थे उनको वो पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा था हम बेरोजगार भत्ता देंगे, बंद हुआ जो तांबे का 1 नया पैसा है वो भी नहीं दिया। अब जिन्होंने भत्ता नहीं दिया उनको हम सत्ता कैसे देंगे। उन्होंने कहा कर्ज माफ करेंगे, 1 भी किसान को कर्ज माफ नहीं किया। तो ऐसे झूठे वायदे करने वाले पार्टी को हम कैसे माफ करेंगे। जिन्होंने कहा कि हम बहनों के लिए विशेष योजना बनाए, कोई पैसा नहीं दिया, कोई योजना नहीं बनाई, मगर हम कांग्रेस को गिराने की पूरी शक्ति के साथ योजना बनाना, यही हमारा राजनीतिक धर्म है कि ऐसे दुष्ट बुद्धि की राजनीतिक मायावी विचारों के साथ, जहरीली विचारों के साथ, जिन्होंने भोपाल के यूनियन कार्बाइड के दुष्ट व्यक्ति को यहां से भागने दिया, इन पार्टियों को भगाना, यह हमारी राष्ट्रभक्ति का द्योतक है, यही हमारे देश। लाभार्थी सम्मेलन में भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने भी अपने विचार रखे और आयोजन में महिलाओं की भरपूर उपस्थिति पर भाजपा के कार्यकर्ताओं की दिल खोलकर तारीफ की। 1,000 रुपया 1,500 होगा, उसके बाद 2,000 होगा, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाओगे आप सबके खाते में हर महीने के 3,000 रुपये आने लगेंगे, ये माननीय शिवराजी ने करने। तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार,
ऐसे हमारे केंद्र के, हमारे सबके नेता, जन जन के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को फिर से जिताने की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो ये जो मातृशक्ति हमारी बड़ी तादाद में बैठी है, इस मातृशक्ति के ऊपर, क्योंकि शिवराज जी को ये पूरा विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है, नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है कि ये जो मातृशक्ति बैठी है, इसका आशीर्वाद, इसका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसलिए मैं आपसे कहने आया हूँ कि आप लोग चिंता मत करिएगा, कांग्रेस के भ्रम में मत आइएगा। माननीय शिवराज जी ने हम सबको इसलिए भेजा है कि आपके बीच आके ये बता सके कि अभी तो 1000 रुपये आपके खाते में आना चालू हुए हैं, धीरे धीरे वो बढ़ के 2000 होंगे, और फिर से जैसे 2023 में आप सबके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आपके खाते में हर महीने के 3000 रुपये आना चालू हो जाएंगे। ये कहने के लिए माननीय शिवराज जी ने हम सबको आपके बीच में भेजा है। मैं बस इतना ही कहते हुए अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आज हम सब के नेता और परम आदरणीय हमारे नेतृत्वकर्ता सुधीर जी को सुनने आए, इसलिए एक बार जैसे दादा ने मुझे बिना किसी उसके बुलाया था, वैसे ही एक बार जोरदार ताली बजाते हुए हम सब के नेता सम्मानित सुधीर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 की एक इतनी बड़ी, आपको बता दें विधानसभा 2 भाजपा के अमेघगढ़ मानी जाती है, जहां पर विधायक रमेश मेंदोला रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते आए हैं। ऐसे में लाभार्थी सम्मेलन के जरिए उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ कितना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।